भैया ये देखो मिस्टी जादू दिखा रही है। आओ फिर तो मजा आता है। ये कौन सा वाला जादू दिखाने वाली है? अरे मम्मी ये बॉक्स में से क्या निकला? हे भैया ये देखो ये उसका पेट है भैया, जो कि भैया उसको ही मार देगा। और मनस की तो बैंड ही बच गई। हे भैया आज हम खेलेंगे स्केलेटन का 3D के न्यू हॉलोवीन लेवल। और मुन्ना न्यू लेवल आ गए क्या? हे भैया बिल्कुल सही सुना आपने। पर भैया मैं अपने दोस्तों से बहुत ही नाराज हूँ, क्योंकि भैया 82% लोग वीडियो देख के यू चले जाते हैं, मगर भैया उसमें से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करता। मैं बहुत ही नाराज हूँ भैया। ये देखो ना केवल और केवल 17% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और मुन्ना ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग बहुत ही अच्छे लोग है, ये लोग हमको जरूर सपोर्ट करेंगे। दोस्तों एक साथ में सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और मुन्ना नाराज है, और मुन्ना को खुश करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा। दबा दो दोस्तों। अरे बिल्ले कोई बात नहीं, ये लोग कर देगा। अरे मिस्टी क्या करिए, इसके हाथ में तो वड़ा पाव है। अरे वड़ा पाव तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ग्रैंड पा क्या कर रहा है पता नहीं, तो उससे डांस करवा रही है। ए लंबू तुमने बिल्कुल सही बोला यार, मिस्टी ने तो ग्रैंड पा के पसीने निकाल दिए। और मुन्ना पसीने तो मैं उसका निकालूंगा। और रुक जा, और मैं अभी तेरे पास आता हूँ तेरी बैंड बजाने। हे भैया रुको तो सही यार, ये लोग आपस में क्या बातें करे। और मुन्ना तुझे तो पता है ना मेरी जाति नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, दिमाग का बाजी पाला करके रखा है। भैया चलो यार कोई बात नहीं, हम तो भैया मिस्टी की वैंडी बजाने आए ना। और बिल्कुल सही बोला। और मुन्ना तू टेंशन ना ले, इस बार में तो मैं उसकी वाटी लगा दूंगा। और मुन्ना ऊपर देखा तूने, और भूत घूम रहा है। ओ बिल्ले मुझे आखिरकार भूत से बहुत ही डर लगता है। मेरी मम्मी बोला करती थी कि भूत हमारे शरीर के अंदर चलते है ना, तो वो हमारी बैंड बजा सकते है और सबकी टक्की चिक्की भी कर सकते है, तो इसके लिए मैं भूतों के पास जाता ही नहीं। पर ये क्या, तुम तो फिर से हॉलोवीन अपडेट में आ गए। और ये क्या, मुझे तो डर लग रहा है बिल्ले, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ए बॉब तुम्हें इस भूतों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमको कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। और मुन्ना बिल्कुल सही बोला। और मुन्ना हॉलोवीन अपडेट एकदम कमाल का ही बनाया इन लोगों ने। और ये हड्डी यहाँ पे क्या करिए, हड्डी निकल, वरना छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, 2.5 किलो का हाथ मार के खोपड़ी तोड़ दूंगा। हे भैया ये लोग तो आपस में बातें करे, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है। और मुन्ना मैंने भी देखा, और मुन्ना पंपकिन तो देख, इतना बड़ा पंपकिन तो मैंने जिंदगी में कहीं पे नहीं देखा है। हे भैया मैंने भी ऐसे पंपकिन पहली बार देखे है। हे भैया ये क्या, आओ बिल्ला मुझे बहुत ही डर लगता है। ये देख बिल्ला ऊपर तो भूत घूम रहा है और साथ में किताबें भी उड़ रही है। अरे ये क्या चल रहा है इस घर में, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मम्मी मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, बिल्ला मुझे बचा लो। आओ हे भाओ बिल्कुल भी मत डरो यार। हे भैया ये देखो यहाँ पे तो हाथ चिकन काट रहे है, वो भी भैया अकेले अकेले। और मुन्ना चिकन तो अपने आप ही काट रहे है। और ये हड्डी यहाँ पे क्या कर रही है मुन्ना? हे भैया ये हड्डी खाना बना रही है, और ये भैया बढ़िया खाना बना रही है। और मुन्ना ऐसा तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, हड्डिया भी खाना बना दिया क्या? और तब तो उसका स्वाद चखना पड़ेगा। और मुन्ना ये क्या हो रहा है? हे भैया ये भी एक हाथ अपने आप ही यहाँ से हिल रहा है, भैया चल रहा है। और मुन्ना हाथ भी चलते है क्या? और मुन्ना इस घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आओ बिल्ला मुझे लगता है इस मिस्टी के घर में शैतानी आत्मा रहती होगी। आओ हे यार बिल्कुल सही बोला, चलो भैया ताले को खोलता हूँ। और मुन्ना इतनी बड़ी किताब, और ये क्या, और मुन्ना तो बोल भी रही है, और ये कोई शैतानी किताब रखती है मुन्ना। हे भैया ये मैजिकल बुक है, इसके अंदर भैया हमें 3 सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद में भैया ये हमको चीजें देगी। और मुन्ना कौन सी चीजें देगी? हे भैया हमको एक जादुई पेज देगी, जो कि भैया बहुत ही उल्टे सुलटे मैजिक करती है। और मुन्ना उस मैजिकल पेज की हमें क्या जरूरत है? हे भैया मैं आपको सारा चीज समझाता हूँ, पहले भैया मुझे अपने 3 सवालों के जवाब देने दो। और चल ठीक है बच्चू, तुझे बाद में पूछ लूंगा। और ये क्या, हे भैया मुझे इसमें से 3 चूज करने होंगे। और मुन्ना एक ये वाला चूज कर ले, ये वाला सही लगता है। हे भैया मैंने मोमबत्ती को एक्सेप्ट कर लिया। और मुन्ना मुझे पता था तू कैंडल ही चूज करेगा, क्योंकि तुझे अंदर से बहुत ही डर लगता है ना। हे भैया ऐसी बात नहीं है, ये क्या भैया यहाँ पे तो खाना रखा है, और भैया यहाँ पे एक फल भी है, और भैया एक पंपकिन भी है, तो मेरे ख्याल से भैया पंपकिन ही होना चाहिए। और मुन्ना ये हॉलोवीन अपडेट इसके लिए पंपकिन ही होना चाहिए। और ये देख खुल गया। हे भैया मैंने तीनों सवाल के एकदम करेक्ट आंसर दे दिए, इसके लिए भैया इस जादुई किताब ने मुझे जादुई
पेज दे दिया। अब ये जादुई पेज को भाई मैं ऊपर लेके जाऊंगा। और बने ये भूतनी कहाँ घूम रही है? भूतनी रुक जाने तो छोड़ूंगा नहीं, 2.5 किलो का आदमी को तोड़ दूंगा। आओ मिले, मुझे इस किताब से बहुत ही डर लगता है। ये कुत्ता भी अपने आप ही ऊपर क्यों उड़ रहे बिल्ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इस घर में कुछ गड़बड़ लगती है। आओ ए यार, ये पूरा ही घर गड़बड़ वाला है। और मुन्ना बिल्कुल सही बोला। और ये तूने क्या उठाया मुन्ना? ए भैया ये मैंने फेविकिक उठाया है। अब भैया मैं इस पेज को वहाँ पे रखूंगा और भैया उसके मैजिकल बुक में सही से लगा दूंगा। उसके बाद में हम यहाँ से निकल लेंगे। और मुन्ना इससे क्या होगा? हे भैया इससे होगा ना ये कि मिस्ट्री जादू की किताब पढ़ेगी। उसके बाद में भैया उसको उल्टा सुल्टा जादू सिखाएगी ये किताब। और मुन्ना ऐसी बात है क्या? फिर तो मजा आ जाएगा। और भूतनी रुक जा खा रही है। अरे क्या रे बिल्ले, ये भूतनी से हमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये भूतनी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये देखो भूतनी आ गई और हमको कुछ भी नहीं कर रही है। हे बाप, देखा तूने यार, ये भूतनी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आओ ऐसी बात है क्या बिल्ले? फिर तो मुझे इस भूतनी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चलो बिल्ले अब हमारा काम करते हैं, जल्दी से उस मिस्टी की और जादू किताब ढूंढते हैं। ए यार ये देखो, मुझे मिस्टी की जादू किताब मिल गई। इसके अंदर ये पेज को लगाऊंगा और भैया फेविकिक को यहाँ पे लगा दूंगा। और मुन्ना ग्लूस को लगा दे और जल्दी से किताब भी बंद कर दे मुन्ना, नहीं तो मिस्टी आ जाएगी। हे भैया लॉक कर दी किताब बंद। अब भैया हमको यहाँ से बाहर जाना होगा और भैया वेट करते मिस्टी के आने का। और बिल्कुल सही बोला, मिस्टी जल्दी से आ जा। और तेरी किताब में हमने मैजिकल पेज को रख दिया और जल्दी से उसको पढ़ेगी ना, उसके बाद में मजा आएगा मन्ना। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक ना किया ना तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। आओ बिल्कुल सही बोला दोस्तों, सब्सक्राइब करो लाइक करो और जो भी करना है कर दो जल्दी से। आओ हे भैया नाइट हॉलोवीन पार्टी में एनर्जी ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और होता है। और मुन्ना तूने बिल्कुल सही बोला। और मुन्ना ये मिस्ट्री कहाँ गई? हे भैया मिस्ट्री तो वहाँ से आ रही है। पता नहीं भैया कितना टाइम लगाएगी। और मुन्ना तू टेंशन ना ले, और ये पहुँचने वाली है, उसके बाद में देखना और क्या होगा मुन्ना। आओ मजा आएगा। अरे ये क्या इतना सारे पंपकिन, और यहाँ पे तो पार्टी लगा रखी है इन लोगों ने। अरे भूत तो उधर ही जा रहा है। अरे भूतनी रुक जा नहीं तो तेरी बैंड बजा दूंगा। आओ ए यार उसका नाम मत लेना नहीं तो भूतनी तुझे ही मार देगी। और मुन्ना ऐसी बात है क्या? भूतनी मारती भी है भैया, हमने उसकी जरा से भी छेड़छाड़ की ना तो भैया वो हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगी और भैया हमसे ना चाहे काम करवाएगी। और मुन्ना ऐसी बात है क्या? फिर तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। और ये बाप को बता दे। आओ बिल्ला फिर तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या मजा आ गया, कॉफी नाश कर रही है। तो हे भैया ये तो कॉफी नाश कर रही है। अब देखना भैया इसका जादू देखो। ये देखो भैया वो नाश कर रही है। और भैया अपने आप ही थप्पड़ खा रही है। और मुन्ना इसके तो मैजिकल उल्टे सुलटे डांस चालू कर दिया। और इसको कमाल कर दिया मुन्ना। हे भैया ये देखो अभी और भी कमाल। ए पटक दे जल्दी से पटक नीचे। और मुन्ना पटक कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के एकदम रुमाली कर दिया, मजा आ गया। क्या बात है मुन्ना? अरे क्या रे बिल्ले, तुमने मेरी मिस्टी को क्यों मारा? अब तुमको छोड़ूगा नहीं, खिलाड़ी 686 वाला पंजा मारूंगा और पानी निकाल देंगे। अपने को तो क्या पानी निकालना है। ए लंबू तुझे तो पता है ना यार, जब हम पढ़ाई करने जाते थे तो मिस्ट्री ने हमारी कितनी बैंड बजाई है, तो ये उसी का बदला है। अरे चल कोई बात नहीं बिल्ले, तो चलता रहता है। अरे ये मिस्ट्री क्या कर रही है, कौन सा जादू दिखाने वाली है? ए यार ये लगता है जिसका फोटो अंदर डालेगा ना इसके ऊपर ही चढ़ बैठती है। ओ बिल्कुल सही बोला। और मुन्ना इसके अंदर क्या है? ओ मुन्ना इतना बड़ा शैतान। हे भैया ये मिस्ट्री का पेट है। और भैया मिस्ट्री ने ग्रैंडपा की फोटो अंदर डाली तो ये भैया उसका पेट उसको ही मारेगा। और मुन्ना ऐसी बात है क्या? फिर तो हम उसका फोटो उसके अंदर ही रख देंगे और फिर देखते मजा आएगा। हे भैया बिल्कुल सही बोला, उसके पेट के बॉक्स के अंदर भैया मिस्ट्री का ही फोटो रख देंगे तब जाके मजा आएगा। और मुन्ना मतलब क्या उसका पेट उसको ही मारेगा ना? हे भैया बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही करेंगे। चलो भैया जल्दी से हमें कैमरा ढूंढना होगा। और मुन्ना मगर इतने बड़े घर में कैमरा कहाँ से मिलेगा? और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भैया रुको यार, यहाँ पे हमको नीचे वेट करना होगा। और मुन्ना नीचे वेट नहीं करना, मैं वेट नहीं करूंगा। और मैं देखना चाहता हूँ हमें कैमरा कहाँ मिलेगा। आओ टक्के टक्के बिल्ले, मुझे पता है वो कैमरा कहाँ पे छुपा रखा है। ये कैमरा उस ग्रैंडपा के पास है। ये ग्रैंडपा जहाँ कभी सोएगा ना उसी वाले रूम में ये ग्रैंडपा का कैमरा होने वाला है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए और ग्रैंडपा का जाने का
इंतजार करते आओ। ए यार बिल्कुल सही बोला है बाप भैया। और मुन्ना मुझे भी पता है ग्रांड पा सोने कहाँ जाएगा, वो सामने वाले रूम में जाएगा ना, और उसके अंदर वो सोएगा, उसके बाद में हम कैमरा चुरा लेंगे। हे भैया बिल्कुल सही बोला, मगर भैया ये भूत कहाँ घूम रहा है, चारों तरफ भैया निगरानी करा है। और मुन्ना फिर तो हमें बचना होगा, ये भूत उसको बता देगा ना कि हम यहाँ पे खड़े, अगर मिस्टी को पता चल गया ना कि हम यहाँ पे खड़े तो वो सीधी इधर ही आएगी और हमारी भेड़ बजा देगी मुन्ना। हे भैया मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये भूत हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इससे भैया हमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुन्ना ऐसी बात है क्या, फिर सच सच बताना, तो मजाक क्यों करता रहता है। हे भैया मैं तो आपके सामने मजाक नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, आपका छोटा भाई हूं ना। और बच्चू ठीक है, तुझे इस बार माफ करता हूँ, मगर अगली बार में मेरे साथ में मजाक किया ना तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, 2.5 किलो का हाथ मार दूंगा। मगर ग्रांड पा का बच्चा अभी तक क्या करा है अंदर, और जल्दी से बाहर निकलना, मुझे कैमरा चाहिए कैमरा। हे भैया ये निकला देखो, ग्रांड पा जा रहा है सामने वाले रूम में। अरे क्या रे बिल्ले, उसके पास में तो कैमरा है, जल्दी से वो सोने जाएगा ना, उसके बाद में उसका कैमरा चुरा लेंगे और मिस्टी की फोटो खींच के उस बॉक्स में डाल लेंगे उस पेड़ के पास में। हे यार बिल्कुल सही बोला लम्हू। हे भैया वो अभी जा रहा है सोने के लिए, आओ मजा आएगा बिल्ले, चलो उसके रूम में चलते, लगता है वो सोने जा रहा है, अब उसके पीछे पीछे जाएंगे और उसका पीछा करेंगे। आओ दरवाजा बंद करो और नहीं तो मिस्टी आ जाएगी, आओ। हे यार नहीं आएगी मिस्टी, ये देखो भैया ग्रांड पा सो चुका है और भैया उसके अंदर ही यहाँ पे फोटो लगी है। और मुन्ना बिल्कुल सही बोल रहा, और उसके फोटो का जगह उसके ग्रानी का फोटो लगा देंगे। हे भैया ग्रानी का नहीं यार मिस्टी का बोलो ना। और मुन्ना चल ठीक है मैंने कैमरा उठा लिया, और ये देख मुन्ना मिस्टी की यहाँ पे बड़ी मस्त वाली फोटो है और वैम्पायर की भी फोटो है। हे भैया वैम्पायर की नहीं यार मिस्टी की फोटो खींचो, और ये ले मुन्ना मिस्टी की फोटो खींच ली और मजा आ गए। चलो यार मुन्ना और फोटो तो उसके ग्रांड पा के पास रख के आते। हे भैया संभाल के यार, ग्रांड पा जग जाएगा ना तो हमारा फेल हो जाएगा ये लेवल। और मुन्ना ऐसा हर किसी नहीं होगा, और ये देख मुन्ना मैंने फोटो चेंज कर दी, अब हमारा काम हो गया, बस बाहर जाके वेट करना होगा। आओ ऐसी बात क्या बल, फिर तो मजा आ जाएगा, यहाँ पे खड़े खड़े देखते हैं आखिर होता क्या है। आओ हे यार होता क्या है, होगा तो वही जो होगी चाहेगा। ओ मुन्ना बिल्कुल सही बोला, यही होगा मेरा होगी डॉन जो चाहेगा। हे भैया चलो यार बाहर जाके देखते हैं क्या होने वाला है। अरे बिल्ले ये मिस्टी तो अभी आने में देर लगेगी, तब तक हम यहाँ पे घूमते हैं। अरे इतने सारे पंपकिन, पूरा पंपकिन का रूम है, और इस दरवाजे को खोलता हूँ इसके अंदर क्या है। अरे मम्मी ये क्या इतने सारे भूत घूम रहे हैं। बिल्ले मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, ये भूत हमको कुछ करेंगे तो नहीं ना। हे या लम्हू ये हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अरे ये क्या बिल्ले मुझे अपनी ड्रिंक्स मिल गई, जल्दी से ड्रिंक्स पीता हूँ और इस रातों का मजा लेता हूँ। ये क्या पक रहा है, खिचड़ी पक रही है क्या। आओ मुझे जोर से भूख लगी है बल्ला, मुझे खाना चाहिए। अरे मम्मी खाना दे दो, इस अंधेरी रातों में कोई खाना भी नहीं देता, यहाँ कोई पानी भी नहीं पिलाने वाला, अब क्या करेंगे बल्ला, मुझे खाना चाहिए। आओ ये बाप थोड़ी देर और रुक जाओ, ये लेवल कंप्लीट होने के बाद में हम सीधा घर पे जाएंगे और हॉलोवीन पार्टी का मजा लेने वाले। हम तुमको ड्रिंक्स भी पिलाएंगे और भरपूर खाना भी खिलाएंगे। मुन्ना वो सब तो ठीक है, मगर ये भूतनी का बच्चा मेरे को बहुत ही तंग करा है, और ये हड्डी का बच्चा यहाँ पे क्या करा है, और हड्डी का बच्चा निकल ले, और इसने पता नहीं हॉलोवीन पार्टी में किसको इनवाइट कर दिया। भैया छोड़ो ना यार, मिस्टी ने इसको इनवाइट किया होगा। और बच्चू चल ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से ड्रिंक तो पीता हूँ और हड्डियों की भेड़ बजा देता हूँ। हे भैया रुको यार, और मुन्ना ये देख मिस्टी पहुँच गई है, और आखिरकार होने क्या वाला, जल्दी से दिखा दे। और ग्रांडपा ने मिस्टी की फोटो अंदर डाली, और अब क्या होगा मुन्ना। हे भैया अब देखते जाओ। आओ मुझे ऐसा क्यों लगता बोल कि मिस्टी की भेड़ बजने वाली है। हे यार बॉब ऐसा ही होगा। हे भैया ये देखो मिस्टी का बड़ा सा पेड़ बिल्कुल खतरनाक, भैया अब ये मिस्टी की भेड़ बजाएगा। देखो भैया मिस्टी को उसने खा लिया, और मुन्ना तो कमाल ही हो गया, धोती फाड़ के रुमाल ही हो गया। ए तो चलो यार भैया आज का शाउट आउट जाता है मेरी तरफ से इन सभी को, एकदम बड़ा वाला शाउट आउट और वेलकम बे शाउट आउट। आओ दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा और ठक्की टिक्की करने वाला शाउट आउट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना, मजा आएगा। आओ हे यार बिल्कुल सही बोला। अरे भैया आप भी शाउट आउट दे दो। ओए मुन्ना तुझे तो पता है ना मैं हमेशा एक ही शाउट आउट दिया करता हूँ, वो भी तोड़ने वाला फोड़ने वाला एकदम ढक्की टिक्की करने वाला 2.5 किलो का शाउट आउट। और दोस्तों मेरी
की तरफ से आप सभी को 3000 किलो का शाउट आउट। आओ मजा आ गया, 3000 किलो का शाउट आउट सुन के मेरा तो कान ही फट गया। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को एक अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। तो चलो यार मिलते हैं आप सभी को अगली वाली वीडियो में।